नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं Abin24 न्यूज़। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने एक खबर देखी जिसमें एक विक्रम नाम का शख्स जिस तरीके से वो ग्रीस गया हुआ था और उसके बाद उसकी बहन पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगते हैं, जिसमें बताया जाता है कि बहन ने किस तरीके से अपने भाई को ही मरवा दिया। और अब परिवार के सभी लोग, आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं आप जिला सचिवालय के बाहर जिस तरीके से पोस्टर लेकर खड़े हैं और उसका जो शव है विक्रम का, वो मांग कर रहे हैं कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि इस तरीके से परिवार के सभी आप देख सकते हैं लोग, जो माँ है उनकी, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल बात तो करने के बिल्कुल भी आप समझ सकते हैं हालत में नहीं है परिवार के लोग। यहाँ पर मांग यही कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए फिलहाल जो है ये उनकी जो हो गए बच्चे बाहर के खड़ा रहे ना, मेरा बच्चा कितने रोल गया नहीं, मेरा देसा मर देसा जी, मैं इस बच्चे बिना कि मेरा आगी मैं तो आगी मेरा गोरा करूँ आएगा और गोरा एक बारी तो इस समय आपको बता दें पीछे ही कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि माँ यहाँ पर है, काफ़ी किस तरीके से उनका दुख जो है वो हम आपको शब्दों में तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर जो है मांग कर रही हैं उसकी कि बॉडी जो है वो यहाँ तक पहुँच जाए। कुछ लोग भी हैं पीछे, आप देख सकते हैं उन्हीं के ही परिवार के लोग हैं पीछे, तो बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से यहाँ पर माँ है, फिलहाल बॉडी जो है वही मांग कर रही है, बॉडी यहाँ तक बॉडी हाँ हमारी तो सिर्फ एक मीडिया है जो हमारा सपोर्ट कर रही है, अदरवाइज MP MLA कोई MC पीड़ित परिवार की कोई सूद बूद नहीं ले रहा कि हम पीड़ित परिवार के घर जाके डेड बॉडी मंगाने का प्रयास करें। देखो जी, मंत्री MLA का 5 मिनट का काम है डेड बॉडी मंगवाने का, लेकिन कोई सूद बूद नहीं है। कागजी कार्रवाई में 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, इनकी कोई सूद बूद नहीं ले रहा, इसलिए पीड़ित परिवार धरने पर बैठी है, भूख हड़ताल पर बैठी है। और कल रात को मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक बात और बता दूं कि इसकी माता ने रात को 1:30 बजे सुसाइड करने की कोशिश करी है, रात को 1:30 बजे तक हम इनके घर रहे हैं, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी है। बड़ी मुश्किल समझाया है कि ऐसा मत करो, ये कह रहा है कि सोमवार तक मेरे बेटे की डेड बॉडी आ गई, ठीक है, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, जहां मेरा बेटा गया मैं वहां जाऊंगी। और ये जगरूप विक्रम का भाई ये कह रहा है कि जो मेरी माता को कुछ हो गया मैं अपने बीवी बच्चों समेत मैं भी सुसाइड कर लूंगा, इसका चाचा भी यही बात कह रहे हैं। तो हम जनता से यही अपील कर रहे हैं, पीड़ित परिवार का साथ दीजिए, सॉरी डेड बॉडी मंगवाने का प्रयास करिए, पीड़ित परिवार का सहयोग करें, जल्द से जल्द डेड बॉडी भारत मंगवाई जाए, कभी ऐसा ना हो कि ये इनकी माताजी और इनका परिवार सॉरी कि अपनी जान ना गवा बैठे। तो इसलिए हम मीडिया के माध्यम से जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार ये आ जाए, इनका सहयोग करें और इनकी डेड बॉडी मंगाई जाए। सिर्फ हमारी मीडिया सपोर्ट कर रही है, मंत्री MLA हमारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आगे भी कोई कार्रवाई हुई है जिस तरीके से बहन पर इतने बड़े आरोप लगे हैं, तो क्या आगे भी कोई कार्रवाई, फिलहाल उसके लिए भी कुछ हुआ है क्या? परिवार क्या चाहता है, किस तरीके से आगे और कार्रवाई? देखो, परिवार तो ये चाहता है जो इनके साथ न्याय हुआ, इनकी बेटी ने अपने भाई को मरवा दिया नरवैर एजेंट के साथ, और उनके एक मामा कोई पुलिस में है, एक सोनू है कुराली गांव का, एक दो जने हो रहे मुझे नाम नहीं पता, उनको भी अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई चढ़ावा चढ़ुआ चढ़ गया होगा, अरेस्टिंग नहीं हुई। और पीड़ित परिवार तो चढ़ावा क्या बलजीत है, सचो ने 6 तारीख को 7 तारीख की बात है, मेरे सामने 1.5 लाख लिया, मेरे को धक्का मार के थाने से बाहर काट दिया, मैं उसका चाचा हूँ, जी जी जी, विक्रम का चाचा हूँ, मेरे सामने लिया उसने 1.5 लाख रुपया उसके और नरवैर से और उसके डैडी से। मैं अंदर देखने गया, भी उसको सुबह ले आते हैं, छोड़ तो नहीं दिया, मैं देखने गया तो होमगार्ड को बोल के कहा तू चल कल को कार्रवाई करेंगे तेरी, कल को आइए, तो 1.5 लाख लिया। और सब इंस्पेक्टर चरण सिंह ने भी पैसे लिए हैं, विजय है जो विजय बोरिया उसने भी पैसे खाए हैं, ये पुलिस रच चुकी है पैसे खा खा के, और हमारे को गुमराह करते रहे भी आपका लड़का जेल में है, कोई नहीं बात हो जाएगी, और हमारे को मारी ये बात करवाई, ये तो कुदरती किसी का भला हो, किसी ने व्हाट्सएप पे फोटो डाल दी तो हमारे को पता लग गया, नहीं तो सारी उम्र ही हमने गुमराह रह जाना था। जी जी जी। आज अगर मान ले कोई आज नहीं आया तो हम कल को सड़कों पे उतरेंगे और रोड जाम
हम आईटी जाम कर देंगे। तो अभी शव को मंगवाने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी कोई नहीं कोई प्रशासन कुछ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम भूख हड़ताल पे यहीं बैठे रहेंगे। और अगर ना आया आज और कल का टाइम है 12 बजे, हम सारे जो भी घर के मेंबर हैं सब अपना सुसाइड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पीछे इन बैनर के ऊपर यही पर परिवार की मांग है कि विक्रम के शव को ग्रीस से भारत मंगवाने के लिए इन्होंने प्रदर्शन करना पड़ा है। अक्सर ऐसा ही होता है जब किसी परिवार का कोई शख्स जो है बाहर जब मौत हो जाती है तो ऐसे में ही किस तरीके से जो है न्याय की मांग तो बाद की बात है, सबसे पहले शव को मंगवाने के लिए सरकार से हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करना पड़ता है। ये देख लीजिए इस तरीके से एक जवान लड़का जो है किस तरीके से अपने आप में शर्मनाक भी है, सबसे ज्यादा रिश्तों को शर्मसार भी कर दिया इस वाक्य ने। और यहाँ पर भी फिलहाल ये माँ है यही गुहार लगा रही है कि उनके बेटे की जो बॉडी है वो कम से कम फिलहाल उनके पास आ जाए और आगे की जो कार्रवाई है वो तो हो ही हो। तो है तो इंसान ही नहीं, इनका लड़का चला गया। मैं पूरे कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से, जितनी भी संस्थाएं उन लोगों को कहना चाहता हूँ भी आए और माँ का दर्द तो समझे, माता का दर्द देखे, आके देखो उसका जवान लड़का चला गया। और सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ कि इसका इसकी डेड बॉडी मंगाई जाए, बस नहीं ये माता मर जाएगी। इसका जो अब तक नेताओं से मिले हैं, जिला अध्यक्ष से मिले हैं, आज अनिल भी से मिले हैं, कुछ में ज्यादा सॉलिड कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ जुगलेबाजी है और कुछ नहीं है। आश्वासन नहीं मिलता, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब जुगलेबाजी है। ये सिर्फ ये किसी मंत्री मिनिस्टर का लड़का होता तो बहुत पहले आ जाता। आज हमें 15-20 दिन हो गया, 15 दिन हो गए धक्के खाते हुए, कोई कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा, ना किसी प्रशासन से, ना सीएम साहब से, ना एमपी साहब से, ना किसी जिला अध्यक्ष से, ना किसी एमएलए से, किसी से कोई सहारा नहीं मिल रहा। आखिर में बुढ़िया से माता मर जाएगी, ये भी विक्रम की तरह ना, ये भी फड़फड़ा के मर जाएगी। प्रयास किया है, कोशिश की है सुसाइड करने की, क्योंकि दीवारों से बातें करती है रात को, सारी सार रात जागती है दीवारों से, आसमान से बात करती है, बर्तनों से बात करती है, ये अपने हर चीज में विक्रम देखती है, विक्रम मेरा, विक्रम मेरा, मेरा विक्रम। अबे आप देख ही रहे हो क्या हाल है इसका, इसमें मैं तो क्या कह सकता हूँ, देखो आप माता का क्या हाल है, आप देखो, आप समझ सकते हैं माँ का हाल किस तरीके से, उन्हें परिवार संभाल रहा है लेकिन संभल जो है वो नहीं पा रही है। एक माँ का हाल आप समझ सकते हैं, एक माँ का प्यार किस तरीके से बच्चों के लिए होता है, और वही आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा कितने दिनों के वाक्य के बाद भी आज भी जो माँ है वो काफी ज्यादा यही मांग करती नजर आ रही है। और अपने आप में शर्मनाक जरूर है, एक बहन के ऊपर इस तरीके से आरोप जो है परिवार ने खुद इस तरफ से लगाए हैं, तो यहाँ पर ये जरूर है। सर क्या कहना था? मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात और कहना चाह रहा हूँ, जितनी संस्थाएं हैं वो आके पीड़ित परिवार का साथ दे दे, नहीं तो ये 200% सोमवार को अपनी जान दे देंगे। अगर जो इसकी मदर मर गई, वहां लैन में सब एक से एक मर जाएंगी, एक 1.25 साल की एक दोती है, पोती है, पोती है सॉरी, वो भी सुसाइड मार देंगे उसको, क्योंकि पीड़ित परिवार है, क्या करे। आपके सामने ना देखो न्याय कितना है कि इनका लड़का मर गया, जवान बेटा मर गया, उसके बाद डेड बॉडी नहीं आई, उसके बाद दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये CMCT है, CMCT में इंसाफ सिर्फ धरना लगा के मिलता है, वैसे धरना इंसाफ नहीं मिलता। और मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, ये हर एक मंत्री MLA के पास चले गए, ये हालांकि उनको इनके पीड़ित परिवार के घर आना चाहिए थे, ये उनके घर जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी हमारी मदद कर दो, हमारे बेटे का शव मंगवा दो, वो सिर्फ एप्लीकेशन लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए और कहते हैं जी हम भेज देंगे, हम कर देंगे। लेकिन आज 12-13 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सूद-बूद नहीं है जी, डेड बॉडी वहीं की वहीं मर्चरी हाउस में पड़ी है, वहां से आगे नहीं निकली डेड बॉडी। और जो किसी मंत्री MLA का लड़का होता ना, विद इन 24 आवर्स में डेड बॉडी यहाँ होती, संस्कार भी हो गया होता। ये तो गरीब परिवार है इसलिए इतनी देर लग रही है, पीड़ित परिवार है। हम भी यहाँ पर अपील करना चाहेंगे प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो है इनकी मांग जो है जिस तरीके से, और ये मांग कोई ऐसी मांग नहीं है, एक बेटा जो है उसकी बॉडी ही मांग रहे हैं कि उनकी बॉडी कम से कम पहुंच जाए और वो अपने हाथों से उसकी जो क्रियाक्रम है वो उसे करें। किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी दुखद है एक माँ के लिए कि उनकी ही परिवार की उन्हीं की बेटी, जिन बच्चों को धीरे धीरे खुद उन्होंने बड़ा किया, और उसी में एक बहन के ऊपर इस तरीके से आरोप लगता है कि अपने भाई को उसने मरवा दिया अपना रास्ता साफ करने के लिए, क्योंकि उसका संबंध किसी एजेंट के साथ था और उसी एजेंट ने उसे बाहर भिजवाया था और फिर उसके बाद उसे मौत के जो है घाट उतरवा दिया। तो अपने आप में शर्मनाक भी है रिश्तों के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही है कि बॉडी जो है वो यहाँ पहुँच जाए भारत ग्रीस से,
जिस तरीके से विक्रम जो है वहां पर जो है उसकी मौत हो गई है, और अभी मां का हाल इतना बुरा है कि परिवार ने बताया कि रात को भी सुसाइड करने का प्रयास किया और अभी भी अपनी बात कहना चाहती हैं। मैं वेखांगी, मेरे सामने फांसी लगेगी, वो कोई मेरी ती सी, हुण मेरी कोई ती नहीं हैगी, हुण ते मैं नहीं फांसी लगे छेती ओनू, मैं आप वेखा, मेनू आप मेरे सामने लाण, मैं आप वेखांगी ओनू लगदी, मेरे बच्चे नाल जो कराया इहने, मेरे बच्चे नाल इस तरह नहीं सी बोलदी, मैं बच्चा मार के पालिया सी, मार के पालिया सी। माता जी हुण तुसीं चाहुंदे हो कि ओहदी डेड बॉडी जिहड़ी ओ यहां पर, आपसे पहले इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, सभी संस्थाएं आगे आए, अपनी तरफ से आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इनकी कोई सही से मदद हो पाएगी, लेकिन जब तक संस्थाएं आगे नहीं आएंगी तब तक लग नहीं रहा है कि कुछ होगा, क्योंकि संस्थाएं आगे आएंगी तो कम से कम प्रशासन के ऊपर भी एक प्रेशर जो है वो ज़रूर बनेगा, और वो बनना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस तरीके से मामले देखे गए हैं और उसमें भी यही होता है कि टेंट लगाकर लोगों को यहीं पर बैनर पकड़कर खड़े होना पड़ता है, और फिर जो है इस तरीके से कि बाहर से बॉडी आ जाए, ऐसे भी पहले कई मामले देखे गए हैं कि बाहर जो है मौत हो जाती है नौजवानों की और उसके बाद परिवार ऐसे ही तड़पते रहते हैं। तो आपकी अपील करना चाहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे एबिन 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।